गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी फ्रॉम योर इंग्लिश बुक हनी ड्यू। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। स्टूडेंट्स, लैप्स ऑफ मेमोरीज मीन्स स्मृति की कमी, याददाश्त की कमी। तो बिपिन चौधरी में बहुत ही याददाश्त की कमी थी, उन्हें स्मृति की कमी थी। वो किसी भी चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते थे और चीज़ों को उन्हें रिकॉल करने में बहुत ही तकलीफ और कठिन होती थी। तो इसी तरह का कहानी इस लेसन में दिया गया है जो बिपिन चौधरी के साथ होता है। वो चीज़ों को बहुत याद करने की कोशिश करते हैं पर वो याद नहीं कर पाते हैं, उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि पिछले जीवन में उसके साथ कब, कहाँ, क्या हुआ। ये सभी चीज़ों को वे याद करने की कोशिश करते हैं, उन्हें याद दिलाने के कई एविडेंस होते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाते हैं और उनकी याददाश्त उसे एक पागल की तरह बना देता है। ओके, तो यही स्टोरी आगे है। तो अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अ वेरी गुड मेमोरीज। ओके, हैज़ योर मेमोरीज एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त, क्या आपकी स्मृति आपके ऊपर कभी ऐसा ट्रिक खेला है? कैसा आपकी स्मृति, आपकी याददाश्त कभी ऐसे आपको धोखा दिया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। और भूलना हमको एक बहुत ही कठिन मुसीबत में डाल देता है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अपने जिंदगी के कुछ हिस्सों को पूर्ण रूप से भुला देना वो हमें पागल बना देता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोस नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैनॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। तो स्टोरी में इसी तरह से बिपिन बाबू हैं गोस नियरली क्रेजी, है ना, बिपिन चौधरी उसी को कहा गया है बिपिन बाबू, ठीक है, किसी के साथ ऐसा ही होता है। वो एक समय रांची गया हुआ था पर उसको उनके दोस्त याद दिलाते हैं और उनके साथ कई एविडेंस होते हैं, प्रूफ होते हैं, उसके बावजूद भी वो याद नहीं कर पाते हैं कि वो कभी रांची गया था या नहीं। He has never been to Ranchi, he insists. और वो कहता है कि वो कभी रांची गया ही नहीं है। Though there are many witness to the contrary, लेकिन उसके विपरीत उसके साथ बहुत सारे witness होते हैं, उसके बाद भी वो insist करते हैं कि वो कभी रांची गया ही नहीं है। What is the suspense all about? तो इसके बारे में क्या सस्पेंस है? तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण्स इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। जब बिपिन बाबू ऑफिस जाया करते थे तो रास्ते में न्यू मार्केट होती थी और न्यू मार्केट में कालीचरण का एक बुक स्टॉल होता था और वहीं पे वो रोज़ बुक स्टॉल में जाता था और कुछ बुक वहाँ से वो ख़रीदता था, कुछ स्टोरी बुक्स, कुछ
भूत प्रेत की बुच और कुछ मज़ेदार कॉमेडी बुक्स वगैरह वो खरीदते थे। जैसे कि यहाँ बताया गया है क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स। ओके, ही हैड टू बाय अ लिस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो एक बार में कम से कम 4-5 किताबें खरीद लेता था ताकि वो उसे एक सप्ताह भर वो पढ़ सके। ही लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता था। वॉज नॉट गुड मिक्सचर, वो दूसरों से ज़्यादा नहीं मिलता जुलता था। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके बहुत कम दोस्त होते थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और वो बेकार की चीज़ों पे अपना समय बिताना नहीं चाहता था। फालतू बातें कभी नहीं करता था। टुडे एट कालीचरण्स, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। और उस दिन कालीचरण के शॉप में, दुकान में, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे सामने वाले घर से छुप करके देख रहा हो। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। और जब वो चारों तरफ देखा तो उसके सामने एक व्यक्ति दिखाई दिया और वो उसे बिपिन बाबू को देख के स्माइल दिया। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, तो वो जो सामने घर के दरवाजे से जो देख रहा था वो बिपिन बाबू से पूछा कि मैं नहीं सोचता हूँ कि आप मुझे पहचान पा रहे हैं। हैव यू मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू कहते हैं उस व्यक्ति से, क्या हम लोग कभी मिले हुए हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, तो जो व्यक्ति था वो बहुत ही अचंभित हो जाता है। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, तो जो आदमी था वो कहता है कि हम लोग हफ्ते में हर दिन मिलते हैं। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुडरू फॉल्स, तो वो आदमी बोलता है कि मैं आपके लिए हुडरू फॉल्स जाने के लिए गाड़ी भी बुक किया था। कहता है, याद दिलाता है उसको, है ना, किसको, बिपिन बाबू को। हुडरू फॉल्स इन 1958, तो वो आदमी बिपिन बाबू को याद दिलाता है कि 1958 में मैं आपको हुडरू जलप्रपात जाने के लिए गाड़ी भी बुक कराया था। इन रांची माय नेम इज परिमाल घोष, और जो आदमी था वो बोलता है कि रांची में मेरा नाम या मुझे परिमाल घोष कह के पुकारते हैं। कहता है, नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. तब बिपिन बाबू रियलाइज करते हैं, एहसास करते हैं कि यह परिमाल घोष तो नहीं है, लेकिन ये परिमाल घोष नहीं है, पर ये इनसे कुछ मिस्टेक या गलती हो रही है, वो मुझे कुछ और समझ रहे हैं। कहते हैं बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, कहते हैं कि बिपिन बाबू कभी रांची गया नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट, तो बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं कई बार रांची जाने के लिए तैयार होता था पर कभी जा नहीं पाया। बोलता है, स्माइल एंड सेड, डू यू नो हु आई एम,
तो आदमी बोलता है, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? द मैन रियलाइज्ड, द मैन रेस्ट हिज एस ब्रो बीट हिज टंग एंड सेड आई डू आई नो यू। तो मैन जो आदमी था वो अपने आईब्रोस उठाया, बिट हिज टंग अपनी जीभ चबाया और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जान सकता हूँ? हू डजंट नो बिपिन चौधरी, कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता है? बिपिन चौधरी को सभी जानते हैं, बोलता है आदमी। ओके, बिपिन बाबू नाउ रिटर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड। तो बिपिन बाबू किताब के शेल्स की ओर मुड़ा और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो उस आदमी से कहता है कि फिर भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डस आई हैव नेवर बीन टू रांची। क्या कहता है कि बिपिन बाबू कहता है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, तो कैसे मैं आपको याद कर सकूं, कहते हैं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, तो आदमी हंस पड़ा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, तो आदमी बोलता है, क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुडरू एंड कट योर राइट नी। तो उसे याद दिला रहा है कि जब हुडरू फॉल गए थे तो आप गिर गए और गिर के अपने घुटने पे चोट लगी थी, कहता है। आई ब्रोट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए आयोडीन लाया। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहाट, और कहता है, और मैं एक गाड़ी भी आपके लिए फिक्स किया नेत्रहाट दूसरे दिन जाने के लिए, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं सके क्योंकि आपके घुटनों में बहुत दर्द थी, कहता है। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, आदमी बिपिन बाबू से जोर देके कहते हैं, क्या कुछ याद आ रही है? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और आदमी कहता है बिपिन बाबू को, और उस समय जब आप रांची गए थे उस समय और एक व्यक्ति था, क्या उसे याद करते हैं? वह है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो बेंगलो, और आप एक बेंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफेर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय ए बावर्ची। तो आप कहते थे कि आप होटल में रुकना नहीं चाहते हैं और होटल के बनाए हुए भोजन आप पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो आप एक बेंगलो में रुके थे ताकि आपको बेंगलो में अच्छे से खाना पानी मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक, बाकी की स्टोरी हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।